लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अभ्यास वर्ग का आयोजन कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस दौर में शिमला संसदीय क्षेत्र में बनूटी में 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसका समापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। जयराम ठाकुर ने कहा है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी साल 2014 में हुए आम चुनाव के परिणामों को दोहराते हुए प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। शिमला लोकसभा क्षेत्र का हमारा ये 2 दिवसीय शिविर है और आज समापन की ओर हो रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ये हमारी पार्टी की एक स्थापित व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उसके साथ साथ में जब इस प्रकार से चुनाव की अगर हम बात कह रहे हैं तो उसकी तैयारी, इन सारी बातों को एक साथ किया जाता है। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। चारों लोकसभा क्षेत्र में ये बैठकें तय हुई थी और आज शिमला लोकसभा क्षेत्र की यह बैठक है और मुझे लगता है कि बहुत जोश के साथ और पूरी योजना के साथ कार्यकर्ता फील्ड में उतरेगा और जिस प्रकार से 2014 के परिणाम चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा, यही 2019 के चुनाव में भी होगा। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।